बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। आगरा से बड़ी खबर मिल रही है, खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। खनन माफियाओं ने दारोगा को गोली मारी है। गोली लगने से दारोगा की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर हालत में हालांकि अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों से अकेले ही दारोगा साहब भिड़ गए और इसी बीच इस मुठभेड़ के दौरान गोली लगी। हालांकि अस्पताल में अब भर्ती कराया गया है। खनन माफियाओं ने गोली मारी है, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगरा में खनन माफियाओं के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं और ऐसी घटनाएं जब सामने आती हैं। अजेंद्र चौहान इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अजेंद्र, जाहिर सी बात है जो खनन माफिया हैं उनके हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो दारोगा को गोली मार दी। बिल्कुल साफ तौर से अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा में लगातार खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। कई बार फायरिंग पहले भी कर चुके हैं और आज तो हर बार जब हो जाती है कि एक दरोगा के गोली लगती है, क्योंकि ये जावाज दरोगा लगातार उनका पीछा कर रहा था। पीछा करते में जो खनन माफिया था उन्होंने गोली मार दी। गोली लगने के बाद घायल दरोगा को आगरा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस एक बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है कि एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी जिससे कि खनन माफियाओं पर अंकुश लग सके। जी राजेंद्र, ये तो एक सरकारी बयान हुआ कि कार्रवाई की जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी, क्या खनन माफिया को की गिरफ्तारी या किसी तरह का कोई सुराग लग पाया है? कार्रवाई क्या की जा रही है इस बारे में कोई जानकारी? देखिए भाई, सूत्रों के अनुसार यही पता चल पा रहा है कि खनन माफियाओं की पहचान कर ली गई है। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं और जल्द से जल्द उनको गिरफ्तारी करने की बात कही जा रही है। चलिए, आरोपी मौके से फरार हैं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। बदमाशों से का पीछा करते हुए दारोगा साहब दौड़े और इसी बीच खनन माफिया ने गोली मार दी और गोली मारकर मौके से फरार हो गए। हालांकि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। दारोगा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत गंभीर बताई जा रही है।